हमारे साथ इस वक्त सीधे सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। सचिन पायलट जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग किसान कर रहे हैं, उनका एमएसपी पर उनको लिखित गारंटी चाहिए, कांग्रेस फोरफ्रंट पर है और इन बिल्स को अब अपोज कर रही है। सवाल यह है कि क्या स्टैंड है आपका, क्योंकि आपने खुद ही अपने स्टैंड को, जिसमें पिछली बार आपने प्रॉमिस किया था 2019 में इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि एपीएमसी एक्ट को वापस लेंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को वापस लेंगे, अब उन्हीं के खिलाफ आपको अपना स्टैंड खड़ा करना पड़ रहा है, आपकी क्या सोच है तीनों कृषि बिल पर? पहली बात तो ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी का या किसी और पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा देश के किसानों का है। और आज हिंदुस्तान भर के किसान सड़कों पर आकर आंदोलित किस लिए हैं? ये तीन कृषि कानून जो संसद में बहुमत के आधार पर पारित किए गए थे, अगर उस समय चर्चा करते राज्य सरकारों से, किसान संगठनों से, तो आज ये हालत नहीं देखने पड़ते। 8 दिन हो गए हैं, आप बार बार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है। हमने कहा कि मंडी के अलावा कोई विकल्प होगा तो निश्चित रूप से करेंगे उसको, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि हम तीन ऐसे कानून बनाएंगे जहां पर किसान बेबस हो जाएगा कोरोना काल में, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और आप किसान जो हमारा आनंद आता है उससे बिना वार्ता करे। आप कह रहे हैं कांग्रेस की बात, एनडीए का घटक दल पूरा टूट गया, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, अलग अलग सहयोगी दल अलग राज्यों में अपना हाथ नीचे खींच रहे हैं, आज लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतना कहा कि हमने पहली बात तो कहीं पर राजनीति नहीं करी, लेकिन सही मुद्दे पर अगर अपनी आवाज को रखना है तो कांग्रेस पार्टी रख रही है। और मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं मेरी पार्टी की तरफ से, हम लोग किसानों के साथ हैं, उनकी जो मांगे हैं सरकार को माननी चाहिए, और बहुत देर करी चर्चा करने में, लेकिन अब चर्चा सार्थक हो इस बात पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसान जीतेगा या ये केंद्र सरकार की जीत जीतेगी। आज बातचीत हुई कैप्टन अमरिंदर की गृहमंत्री अमित शाह से, जिसके बाद बाहर आकर उन्होंने कहा, किसानों से अपील की बल्कि सचिन जी, कि वो जल्द से जल्द सुलह की तरफ बढ़े, राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बताया। कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा है इस आंदोलन से, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इस आंदोलन से? आपको नहीं लगता है इस देश में जो 2/3 जनसंख्या हमारी कृषक जमीन से जुड़ी हुई है, वो सड़कों पर हैं, वो अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, रास्ते जाम हैं, दिल्ली को घेर लिया गया है, 8 दिन से ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या किसी को अंदाजा नहीं था कि किसान इतने भयभीत, इतने विचलित, इतने आक्रोशित हो सकते हैं? किसी ने कोई चर्चा नहीं करी? और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कहा, देश की राजधानी पर जब किसान गांधीवादी तरीके से अपना धरना देकर बैठे हैं तो कौन कहेगा हम सुरक्षित हैं? ये बात आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की नहीं है, ये बात विश्वसनीयता की है, ये बात लोगों के जहन में विश्वास पैदा करने की है। आज भी जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, और सुनिए, आप बार बार अपने चैनल में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जो किसान का खाद बीज मेहनत तेल बिजली पानी है उस पर कम से कम इतनी मिलनी चाहिए, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। तो एमएसपी अगर कोई मांग रहा है किसान, लिखित में आश्वासन चाहते हैं, कानून में चौथा कानून बनाना चाहिए कि एमएसपी पे खरीद होगी, नहीं तो क्या होगा धीरे धीरे कि मंडी के बाहर व्यापार फैलेगा, मंडी निपट जाएंगी 2-4 सालों के बाद, और किसान 2-5 पूंजीपतियों के लिए मोहताज हो जाएगा अपनी खरीद करने के लिए। ये बहुत दूर भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये इनसिक्योरिटी किसानों के मन में है, इसमें ना तो किसी पार्टी का लेना देना है ना किसी दल का है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो काम किया है उसका ही परिणाम है कि आज पूरा देश इस संकट से गुजर रहा है। ठीक है, आपका कहना है कि ये तीनों बिल है उसको वापस ले सरकार, और साथ ही आप कह रहे हैं एमएसपी को लेकर गंभीरता सरकार दिखाए, लेकिन मेरा सवाल आपसे यही है सचिन जी कि 2014 के बाद से ही एमएसपी नहीं मिल रहा है या पहले भी नहीं मिल रहा था? कानूनी गारंटी न दशकों तक कभी कांग्रेस पार्टी ने दी, ये सरकार अपनी तरफ से जो बात कह रही है कि हमने एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 2014 के बाद ही एमएसपी नहीं मिल रहा किसानों को या पहले मिल जा रहा? इतना नासमझ किसी को समझना नहीं चाहिए, क्योंकि एमएसपी का जिक्र नहीं किया इसलिए आपको लगता है कि अश्योरेंस मिल गई है। अगर कोई, आप कांग्रेस पार्टी की बात करती हैं, हम जब सरकार में थे तब आप आलोचना करते थे, आप 6 साल से विपक्ष में बैठे हैं, अभी भी आप कांग्रेस को देख रहे हो, हमने इसमें क्या किया भाई? हमने तो हाथ जोड़ के निवेदन किया कि ये कानून जो है संसद में पारित नहीं होना चाहिए, अध्यादेश लेकर आए, जबरदस्ती पास किया गया, अब किसान सड़कों पर हैं, अब उनसे बात कर कर लगातार बात टालते चले जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि 100% एमएसपी खरीद होती थी, लेकिन कोशिश तो करें, अगर आप हाथ खींच लेंगे निजी लोगों को, आप लिए बाजार खोल देंगे, उसमें आप कानून पढ़िएगा, उसमें इतनी बारीकी से किसानों को शोषण करने की योजना बनी हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कानूनी प्रावधान नहीं है, बड़े उद्योगपति अगर पैसा लेके किसान का वापस नहीं करते हैं, अगर फसल का पैसा नहीं देते हैं, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एसडीएम कलेक्टर के पास जा सकते हैं, तो कलेक्टर आप 2 बीघे के किसान की जो जोत है उसकी भरपाई करेगा या पूरे जिले को चलाएगा? ये इम्प्रैक्टिकल है, ये धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था को चरमराकर 2-5-6 लोग उसका मोनोपोलाइज कर लेंगे, इस प्रकार की आशंका लोगों के मन में है। मैं फिर दोहराता हूं,
आज जरूरत इस बात की है कि देश का किसान जो जमीन फाड़ कर अनाज पैदा करता है, सीना चीर कर अपना और जमीन का, वो अनाज से पेट भरते हैं। हम आज सैनिक हमारे मजबूत हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत है, क्योंकि हमारे पेट भरे हुए हैं। उन किसानों को अश्योर करने में क्या कमी है सरकार को? सरकार की इतनी बड़ा बहुमत है, ताकत है, उस किसान को आश्वासित करिए, भरोसे में रखिए। और विचलित किसान पूरी दिल्ली में आके बैठे हैं, उनके मन में लगना चाहिए कि ये सरकार हमारी बात सुन सकती है। कृषि जो कानून है कोई आसमान से तुम्हारी नहीं है, संशोधन करिए, वापस दे लीजिए और MSP का अश्योरेंस दे दीजिए, यही तो किसान मांग रहे हैं। तो इसमें इतना दूर बात खींचने का मतलब ही कहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन पायलट जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।